नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को बेल बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी और मैं आपको बता दूँ अपने दो चैनल हैं एक है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया उस चैनल पर कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाला होता है गवर्नमेंट या कोई चल रहे होते हैं मतलब आपको सबसे पहले उस चैनल पर बता दी जाती है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना वो चैनल हमारा पुराना है ये वाला न्यू चैनल है मीत अकेडमी स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है इंस्टाग्राम पे इंडिविजुल मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक फॉलो करने का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए टू हेल्प स्टॉप नॉइस पोल्यूशन विच हेल्पलाइन नंबर डिड दिल्ली पुलिस लॉन्च यानी कि ध्वनि प्रदूषण मतलब शोर प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है so, वो कौन से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है यानी कि बोथ ए एंड बी वन एंड वन इन दोनों हेल्पलाइन नंबर्स की शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से किसके लिए नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए यानी कि शोर प्रदूषण को रोकने के लिए इसे क्या है कंट्रोल रूम द्वारा ही मतलब ये कंट्रोल किया जाएगा और ट्वेंटी फोर बाय सेवन अवेलेबल रहेगा ठीक है ट्वेंटी फोर बाय सेवन अवेलेबल रहेगा और आप ये भी बताया कि इसमें क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा मतलब इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वेयर हैज दी रिसेंट खूनी वैसाखी बुक लॉन्च्ड हाल ही में खूनी वैसाखी पुस्तक कहाँ लॉन्च की गई है अगर आपने सुना होगा अभी अभी खूनी वैसाखी एक बुक लॉन्च की गई है सो कहाँ पे लॉन्च की गई है यू में ठीक है और ये कौन सी बुक लॉन्च की गई है खूनी वैसाखी आपको याद रखना है खूनी वैसाखी बुक है जो लॉन्च की गई है यू -e में एक्चुअल में ये पंजाबी कविता है ठीक है इसकी इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई और इस बुक को लॉन्च किया गया है यू -e में आपको याद रखना है और सूरीज के द्वारा ठीक है सूरी के द्वारा एस यू आर आई इनके द्वारा ये ट्रांसलेट की गई थी जिनके ग्रैंड फादर हैं नानक सिंह जी इनके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया अगर आप मेरी जीके की वीडियोस देखते होंगे ठीक है नानक सिंह जी जिन्होंने जरिया वाला बाग का जो आपको पता है सकरे हुआ था ठीक है वो उन्होंने अपने आप देखा था ठीक है वो इंसिडेंट देखने के बाद उन्होंने इस बुक को लिखा था जो बाद में ट्रांसलेट भी की गई थी ठीक थी? है सो आपको याद रखना है नेक्स्ट देखिए हु अपॉइंटेड दी न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेड बस रेड बस का नया ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है सो so, किन्हीं नियुक्त किया गया है सबसे पहले रेड बस ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए ये बस टिकेटिंग प्लेटफॉर्म है ठीक है अभी इनके न्यू ब्रेस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं किन्हें नियुक्त किया गया है एम एस धोनी जी को यानी महेंद्र सिंह धोनी है जिनको रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सो so, इसलिए इनका नाम यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाएगा नेक्स्ट है हु इज दर्डिंग इंडिया इलेक्शन यानी कि दर्डिक रिकॉर्डिंग इंडियाज इलेक्शन ठीक है ये बुक है इसके लेखक कौन है ठीक है ये लॉन्च की गई है अभी तो इसके लेखक कौन है प्रणॉय रॉय यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है प्रणॉय रॉय है यानी कि पी आर ए डबल एन ओ वाई ठीक है परनोय रोय है जो इसके लेखक है सो आपको याद रखना है मैं आपको हमेशा बताती हूँ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बस रट लेने होते हैं और अप्रैल मंथ में ही मैंने आपको चार से पांच क्वेश्चन बताए हुए हैं ठीक है आपको अगर याद है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा नेक्स्ट देखिए विच कंट्रीज पीस कीपर्स हैव बीन अवॉर्डेड दू एन मेडल यानी किस कंट्री के या किस देश के शांति रक्षकों ठीक है पीस कीपर होता है शांति रक्षक या शांति सैनिक ठीक है शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से यानी यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है मतलब उनको अवॉर्डिड किया गया है सो किस कंट्री को किया गया है इंडिया को यानी इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है और ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया के कितने कितने शांति रक्षकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है मैं आपको हमेशा बताती हूँ क्वेश्चन घुमा के आ जाता है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है लेकिन कितने कितने शांति सैनिकों को यानी शांति रक्षकों को कितने 150. सो आपको याद कर लेना ये इससे बात कर रहे हैं हम यूएन की यानी कि यूनाइटेड नेशन की जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में यानी कि ट्वेंटी अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इनके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी कौन है एंटोनियो गुटेरस नेक्स्ट है हु हैज स्टार्टिड दी लर्निंग क्वाइन विद दी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के साथ अभी लर्निंग क्वाइन की शुरुआत की गई है अगर आपने सुना होगा ठीक है सो so, वो किसने शुरुआत की है किसने की है आई एम एफ ने याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के साथ इसकी शुरुआत की गई है सो so, याद रखना है आपको आईएमएफ ने ठीक है वर्ल्ड बैंक के साथ लर्निंग कॉइन की एक शुरुआत की है इसमें क्या है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में कोई भी मतलब लेन देन होगा प्रोफेशनली ठीक है तो इस कॉइन के थ्रू ही होगा अब बात हम किसकी कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की और आई की वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई नाइनटीन में ठीक है याद करिएगा वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में और आईएमएफ की स्थापना भी हुई थी 1945 में देखिए आपके लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाएंगी सबसे पहले हमने बात की यूनाइटेड नेशन की जिसकी स्थापना हुई 1945 में 1945 में कब 24 अक्टूबर को ठीक है अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की इसकी स्थापना हुई 1945 में और साथ में हम बात करें आई एम एफ की इसकी स्थापना भी हुई 1945 में ठीक है वर्ल्ड बैंक के स्थापना के बाद इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में ये भी आपको साथ में रट लेना है आईएमएफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसकी स्थापना कब हुई लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है सो लिखी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक का भी वहीं पर है सो so, आपको यहीं से याद कर लेना है नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी स्टेट्स हैव है सिंगल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में हम इस वीडियो में दैली के बारे में भी बात कर चुके हैं अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि कितने राज्य एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 में शामिल हो चुके हैं ठीक है थीके? मतलब ये एक सिंगल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है कितने राज्य पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट में शामिल हुए कितने हुए हैं ट्वेंटी लिखिए बीस राज्य इसमें शामिल हुए हैं इसके थ्रू क्या है एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है एमरजेंसी में ठीक है एक ही नंबर के थ्रू मतलब एक सौ बारह के थ्रू ठीक है कहीं पे आग लग जाए फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया जा सकता है और पुलिस को बुलाया जा सकता है और नंबर रखा गया है एक सौ बारह सो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट है बाय वट नेम डिड श्रीलंका लॉन्च इट्स फर्स्ट सेटेलाइट श्रीलंका ने किस नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है मतलब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है सो so, किस नाम से लॉन्च किया है आपको देखिए ऑप्शन में इस तरह से लिखा जा सकता है श्रीलंकन वन रावण वन ठीक है और ये मतलब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सो so, लेकिन श्रीलंका ने अपना जो पहला उपग्रह यानी पहला सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है रावण वन के नाम से याद रखना है और मैंने आपको इससे पहले बताया था नेपाल ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है किस नाम से नेपाली वन के नाम से नेपाली सेट वन के नाम से ठीक है सो याद रखिएगा अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है रावण वन के नाम से और जापान के क्यूसो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में श्रीलंका के दो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसको बनाया है और लॉन्च कहाँ पे किया गया है यूएसए नास में ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यूएसए नासा में लॉन्च किया गया है बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की सो so, इसकी कैपिटल क्या है श्री जयवर्धन ने कोटे इसकी कैपिटल है और कोलंबो भी इसी की कैपिटल है आपको याद रखना है और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है रनिल विक्रम सिंघे जी करेंसी है श्रीलंकन रूपी सो आपको याद रखना है और ये जो रावण वन है ठीक है ये तो मैंने आपको बता दिया किसने लॉन्च किया और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है किसने इसको मतलब बनाया है और कहाँ पे लॉन्च किया गया है लेकिन इसका वेट क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है सो तो लिखिए वन पॉइंट जीरो फाइव किलोग्राम ठीक है इसका वेट है वन पॉइंट जीरो फाइव किलोग्राम जिसकी वैलिडिटी फिलहाल डेढ़ साल की रखी गई है नेक्स्ट देखिए देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको हमेशा बताती हूँ जैसे कोई रिपोर्ट आती है ठीक है डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट हो गई कोई भी रिपोर्ट हो गई या इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम में सो so, आपको उसको साथ साथ में क्वेश्चंस को रट लेना होता है ठीक है इसमें ऑप्शन डी में आप नन ऑफ दी अबव लिख लेना मतलब इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन टू थाउजेंड नाइनटीन इंडिया स्टे इन विच प्लेस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दो हज़ार उन्नीस में अपना इंडिया यानि भारत कौन से नंबर पर रहा है या कौन से स्थान पर रहा पहले तो देखिए इसमें वन एटी कंट्रीज थी ठीक है जिसमें एक सौ चालीसवें नंबर पर रहा है इंडिया यानी नन ऑफ दी अबव जो मैंने आपको बोला ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव मान लेना ठीक है सो नन ऑफ दी अबव आएगा इसमें से मतलब वन फोर्टी नंबर पर रहा है इंडिया एक सौ चालीसवें नंबर पर रहा है इंडिया और एक सौ चालीसवें नंबर पर रहा है इंडिया फर्स्ट पे कौन रहा है नॉर्वे लिख लीजिए नॉर्वे कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे रही है इसमें नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ ड्यूश बैंक इन इंडिया भारत में ड्यूश बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है ड्यूश बैंक है ठीक है इसका भारत में इंडिया में क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इंडिया में न्यू सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है किन्हें नियुक्त किया गया है कौशिक शिपारिया यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है ठीक है सो आपको याद रखना है और जर्मनी बेस्ड है ये जर्मनी बेस्ड बैंक है मतलब इसका हेड क्वार्टर भी जर्मनी में ही है किसका ड्यूश बैंक का नेक्स्ट देखिए इंडिया हैज सस्पेंडेड एल ट्रेड विद विच कंट्री मतलब इंडिया ने यानी अभी भारत ने किस देश के साथ या किस कंट्री के साथ एल व्यापार यानी कि एल ट्रेड को निलंबित कर दिया है सो so, किस कंट्री के साथ किया है इंडिया ने अभी पाकिस्तान के साथ यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है जो भी इंडिया और पाकिस्तान का एलओसी व्यापार था ठीक है एलओसी ट्रेड चलता था उसको अब सस्पेंड कर दिया गया है और ये क्यों किया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल में इंडिया की जो जांच एजेंसी है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से पाकिस्तान एलओसी से याद रखिएगा पाकिस्तान एल से इंडिया इंडिया की तरफ वेपन्स यानी हथियार ड्रग्स और स्मगलिंग हो रही थी और फेक करेंसी भी ही आ रही थी सो इसी वजह से इंडिया ने एल व्यापार यानि एल ट्रेड ठीक है पाकिस्तान के साथ क्या है सस्पेंड कर दिया है मतलब निलंबित कर दिया है और हम बात किसकी कर रहे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान की कैपिटल क्या है इस्लामाबाद करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी प्रेसिडेंट कौन है डॉक्टर आरिफ अलवी जी नोट कर लेना डॉक्टर आरिफ अलवी है प्रेसिडेंट किसके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान नेक्स्ट देखिए हु इज़ ऑन फर्स्ट प्लेस इन मैं सिक्सटी फाइव किलोग्राम फ्री रेसलिंग फ्री स्टाइल रेसलिंग इन वर्ल्ड यानी कि विश्व में पुरुषों की यानी मेल की सिक्सटी फाइव किलोग्राम फ्री स्टाइल की कुश्ती हुई थी ठीक है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है अभी कौन रहा है बजरंग पुनिया यानी कि इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है और बजरंग पुनिया के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ठीक है 2018 में देखिए गेम्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में जीता था गोल्ड मेडल ठीक है फिर से रिपीट करूंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ जो हुई थी कॉमनवेल्थ 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसी के साथ आपको ये याद रख लेना है नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ वेयर विल मैन टेकस अगर आपने सुना होगा अभी वेयर विल मैन टेकस इस इस बुक को लॉन्च किया गया है तो इसके ऑथर कौन है लेखक कौन है सो so, इसके देख कौन है अतुल जिलान जी आपको याद कर लेना है और इसी के साथ आपको याद रखना है ये बुक किस बारे में है ठीक है ये बुक है मैनकाइंड के बारे में यानी कि मानव जाति के बारे में है उनके फ्यूचर के बारे में यानी कि इमीडिएट जो फ्यूचर है उसके बारे में है सो so, आपको याद रखना है और अतुल जिलान जी ये है कौन ये भी आपको याद रखना है ये मंथन सिस्टम के सीईओ है नेक्स्ट देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी देखिए आपको एग्जाम में आते हैं तो ध्यान से सुनेगा हाउ मेनी मीटर्स ऑफ डीप लेक्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन सैटन सैटेलाइट यानी कि शनि के उपग्रह पर कितने मीटर की गहरी झीलें खोजी गई है अभी सो so, कितने मीटर की गहरी झीलें खोजी गई है सौ मीटर की याद रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है शनि के उपग्रह पर सौ मीटर की गहरी झीलें अभी खोजी गई है किसके द्वारा नासा के द्वारा एन ए एस ठीक है नासा के द्वारा खोजी गई है और आपको इसी के साथ याद रखना है कि नासा की स्थापना कब हुई थी कब हुई थी 1958 में कब उनतीस जुलाई को ठीक है उनतीस जुलाई उनतीस जुलाई उन्नीस सौ अठावन को इसकी स्थापना हुई थी किसकी नासा की और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वाशिंगटन, टीसी में याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए ऑल दी पेट्रोल पंप्स इन विच सिटी आर कैशलेस किस शहर के या किस सिटी के अभी सारे पेट्रोल पम्प जो है कैशलेस है ठीक है सो मतलब एक्चुअल में ये हुए अभी है ठीक है सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा बिकॉज इसी के साथ ये सिटी इंडिया की पहली सिटी बन चुकी है मतलब असम ठीक है असम में कहाँ पे गुवाहाटी में ये भी याद रखिएगा असम के गुवाहाटी शहर में कैशलेस हो गए हैं सारे के सारे पेट्रोल पंप और इसी के साथ ये इंडिया की पहली सिटी बन चुकी है प, पहली सिटी बन चुकी है सो इसलिए यहाँ पे इसका नाम इम्पोर्टेंट बन जाएगा सो so, आपको याद रखना है असम स्टेट के असम राज्य के गुवाहाटी में सारे पेट्रोल पंप कैशलेस हो गए हैं और इंडिया का पहला सिटी बन चुका है गुवाहाटी नेक्स्ट देखिए फीफा हैज़ इम्पोज अ लाइफ बैन ऑन होम यानी फीफा ने किस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है मतलब लाइफ बैन लगा दिया है सो so, किसके ऊपर लगाया है जोस मारिया मैरिन पर यानी कि उसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है जोस मारिया मैरिन पर लगाया है आजीवन प्रतिबंध मतलब लाइफ बैन लगा दिया है किसने फीफा ने फीफा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है पहले वो नोट कर लीजिए द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फिर से रिपीट करूंगी द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन ठीक है फीफा ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया यानी लाइफ बैन लगा दिया किसके ऊपर जोस मारिया मारिन के ऊपर बिकॉज किस लिए लगाया है वाइट स्केल करप्शन के कारण मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें यानी कि व्यापक पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी धोखाधड़ी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के कारण इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है सो आपको याद रखना है नेक्स्ट देखिए हु रिजाइंड फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ अडानी से सी एफ ओ यानी कि अडानी के सी एफ ओ के पद से किसने इस्तीफ़ा दिया है अडानी मल्टीनेशनल एक कंपनी है ठीक है उसमें सी एफ ओ के तौर पर पोस्टिंग थी किन की और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है किन्होंने इस्तीफ़ा दिया है राकेश सूर्यकांत शाह ने यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है ये इनका पूरा नाम है राकेश सूर्यकांत शाह तो आपको याद रख लेना है और अडानी की हम बात कर रहे हैं ठीक है इसको कब फाउंड किया गया मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी 1988 में याद रखिएगा और सी इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है सी ये कौन सी पोस्ट होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फिर से रिपीट करूंगी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और 1988 में फाउंड किया गया यानी कि स्थापना हुई अडानी की ठीक है अडानी की स्थापना हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में नेक्स्ट देखिए हु विल होस्ट दी जी ट्वेंटी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी टू थाउजेंड ट्वेंटी में जी ट्वेंटी की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा मतलब कौन उसकी होस्टिंग करेगा जी ट्वेंटी होता है जब नाइनटीन कंट्रीज और एक यूरो ठीक है ये तो इनके मेल से मतलब इनके यूनियन से मिलकर बनता है जी ट्वेंटी सो इनका जो सम्मिट है 2020 का ठीक है यानी कि शिखर सम्मेलन है जो तो इसकी होस्टिंग कौन करेगा सऊदी अरब यानी इसको ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है और सऊदी अरब करेगा इसकी कैपिटल क्या है नोट कर लीजिए रियाद आर आई वाई ए डी एच ठीक है रियाद और करेंसी क्या है सऊदी रिया नोट कर लीजिए सऊदी रिया आर आई वाई ए एल ठीक है नेक्स्ट देखिए हु हैज बीन नॉमिनेटेड दी पी डब्ल्यू सी न्यू चीफ पीपल ऑफिसर यानी पी डब्ल्यू सी के नए मुख्य पीपल अधिकारी या चीफ पीपल ऑफिसर किसे नॉमिनेट किया गया है मतलब किसे अभी नामित किया गया है सो किसे नामित किया गया है सो अभी किसे नामित किया गया है पदमजा अलंगानंदन को ठीक है सो आपको याद रखना है पदमजा अलंगानंदन है ठीक है अलंगानंदन है जिनको चीफ पीपल ऑफिसर पीडब्ल्यूसी सी के ने नॉमिनेट किया गया है यानी कि नामित किया गया है सो आपको याद रखना है और ये पी डब्ल्यू सी ये क्या है सर्विस नेटवर्क मल्टी नेशनल कंपनी है इसके बारे में आपको इतना याद रखना है नेक्स्ट देखिए वे डिड नेपाल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट मतलब नेपाल ने अपना पहला उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है तो अभी अभी अगर आपने सुना होगा नेपाल ने अपना फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है कहाँ से लॉन्च किया है यूएसए से याद रखिएगा यूएसए से लॉन्च किया है और नेपाली सेट वन इसका नाम रखा गया है सो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या रखा गया है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर घुमा के, के जाता है एग्जाम में कि नेपाल का जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है लिखिए नेपाली सेट वन इसका नाम रखा गया है और इसकी कैपिटल क्या है नेपाल की काठमांडू और इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेजिडेंट कौन है विद्या देवी भंडारी जी एंड करेंसी है नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर है के पी शर्मा ओली जी नेपाल के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखती हैं और सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पहला यानी कि पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है किस नाम से नेपाली सेट वन के नाम से नेक्स्ट देखिए विच एविएशन कंपनी टेम्परली क्लोज इट्स ऑपरेशंस मतलब किस विमानन कंपनी ने अस्थाई रूप से अपने परिचालन को बंद कर दिया है मतलब टेम्प्रेरी ठीक है टेम्प्रेरी रूप पर अपने परिचालन को बंद कर दिया है सो किस कंपनी ने अभी किया है जेट एयरवेज ने अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा जेट एयरवेज की काफ़ी न्यूज़ आती रहती थी ठीक है काफ़ी इंप्लाइज तक इनके जॉब छोड़ गए थे जहां तक कि इनके चेयरमैन नरेश गोयल है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था मैंने उस टाइम आपको बताया भी था कि इनके नरेश गोयल जी चेयरमैन है जिन्होंने जेट एयरवेज कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है और इन्होंने अभी तो टेम्प्रेरी ही किया है आठ करोड़ के करीब का इनके ऊपर लोन है लेकिन अभी तक नहीं चुका पा रहे फंडिंग नहीं हो पा रही है तो फंडिंग मतलब पूरी तरह से रुक चुकी है सो तो आपको याद कर लेना है जेट एयरवेज कंपनी का नाम ठीक है नेक्स्ट है हु इज दी फॉरन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे भी कम लिख लेना ठीक है यानी कि हु बिकम दी फॉरन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के विदेश सचिव कौन बने हैं मतलब फॉरेन सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं कौन बने अभी अभी, अभी पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव कौन बने हैं अभी अभी सोहेल महमूद यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है सोहेल महमूद है जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अभी बने हैं और सोहेल महमूद ठीक है ये किसी टाइम तुर्की के लिए पाकिस्तान के अम्बेसडर भी रह चुके हैं याद रखिएगा तुर्की के लिए पाकिस्तान के अम्बेसडर थे किसी टाइम कौन सोहेल मोहम्मद जी बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की सो so, इसकी कैपिटल क्या है इस्लामाबाद लिखिए पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है डॉक्टर आरिफ अलवी ये मैंने नाम भी मेंशन कर रखा है आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी पे कौन है ये इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जी और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है इमरान खान ये मैंने ऑप्शन बी में उनका नाम भी मेंशन कर रखा है इमरान खान है इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी जी ठीक है और करेंसी क्या है पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया ठीक है आगे भी क्वेश्चन है लेकिन आगे क्वेश्चन देखने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आई के नए चेयरमैन यानी कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है यानी कि ऑप्शन बी मतलब जितेंद्र चड्ढा है जो आई के नए अध्यक्ष यानी कि नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं आज के क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर दे देना आज का क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए आंध्र प्रदेश में किस कोस्ट गार्ड का अनावरण किया गया मतलब कौन से कोस्ट गार्ड का अनवील्ड किया गया आंध्र प्रदेश में आपके पास चार ऑप्शन है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का नेक्स्ट है वेयर हैज चाइना इंटरनेशनल टेक फेयर एफ ए आई आर यानी कि मेला ठीक है ये केयर नहीं आएगा फेयर आएगा फेयर स्टार्टिंग यानी कि चाइना इंटरनेशनल टेक फेयर कहाँ पे अभी शुरू हुआ है कहाँ पे शुरू हुआ है अभी अभी शंघाई में यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है और शंघाई ये कहाँ पे है ये भी चाइना में है चाइना के शंघाई में शुरू हुआ है सो आपको याद रखना है ठीक है आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है सिर्फ चाइना भी लिखा हो सकता है जरूरी नहीं है कि शंघाई ही लिखा हो मतलब आपको पूछा जा सकता है कि चाइना इंटरनेशनल टेक अफेयर कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ पे शुरू हुआ है और ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शन कोई और दे दी और चौथी आपको मान लो दे दिए चाइना शंघाई नहीं दी है सो आपको चाइना पे भी टिक कर देना है ठीक है क्योंकि शंघाई चाइना में ही है अगर दोनों ऑप्शन दी होंगी तो आपने शंघाई पे टिक कर देना है सो आपको यहीं से याद कर लेना है इसको कहाँ पे शुरू किया गया है शंघाई में शंघाई कहाँ पे है चाइना में और आपको याद रखना है शंघाई में नेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी का मेला होता है ये फेयर होता है ये जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है मतलब इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है सो so, आपको याद रखना है और ये शुरू कब हुआ था अठारह अप्रैल को ये भी याद रखना है वैसे पूछा तो नहीं जा सकता बट फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ठीक है बात कर रहे हैं हम चाइना की इसकी कैपिटल क्या है ये भी नोट कर लीजिए इसकी कैपिटल है बीजिंग बी ई आई जे आई एन जी किसकी कैपिटल है चाइना की और इनके प्रेसिडेंट कौन है शी जिनपिंग एक्स आई जे आई एन पी आई एन जी नोट कर लेना साथ साथ में करेंसी क्या है रेन मीवी ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है सो आपको यहीं से याद कर लेने हैं और हरियाणा जी के इंडिया जी के पंजाब जी के एग्रीकल्चर कंप्यूटर जी के पॉलिटी से रिलेटेड आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट बुक्स आप ढूंढ रहे हैं पीडीएफ के तौर पर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए तो अगर आपको ज़रूरत है आपको नीड है आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा बुक्स को आज हमने डिस्कस किया है बीस और इक्कीस अप्रैल टू के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक्स फॉर